मेरा नाम अदनान अहमद है, मैं ऑटिज्म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज देता हूँ, उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पे बैठ के अपने बच्चों को थेरेपीज दें। ये तला बचा है, आपने इसकी वीडियोस बहुत पहले देखते रहते होंगे। कलमा की इसकी वीडियो थी और लेक्चर नंबर 13 भी मैंने इसका दिया था, तो उसमें ये रीडिंग करा था। माशाल्लाह पेरेंट्स भी देखे, जब पेरेंट्स मेहनत करते हैं तो बच्चे कैसे इंप्रूव नहीं करते, ये लाजमन इंप्रूव हो बल्कि रिकवर भी हो जाते हैं बच्चे तो। लेकिन हमें ये चूंकि लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है, हमें मुसलसल काम करना पड़ता है। माशाल्लाह अब्दुल्ला इसका भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, पेरेंट्स ने मेहनत की है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज पढ़ना भी इसने सीख लिया है। अब जरा आप काइंडली वॉच कीजिएगा कि ये नमाज में क्या क्या पढ़ता है और किस अंदाज से नमाज पढ़ता है। लेकिन मजीद इस पर फाइन काम रहता है, लेकिन कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह वो इस काबिल हो गया है कि उसको अकामत आ गई है, उसको रुकू आ गया, उसको सजदा आ गया, उसको तशद में बैठना आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ वो दुआएं पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पेरेंट्स की काविश और मेहनतों की मेहनत के बाद ही ये इस काबिल हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह सीख गया है। पेरेंट्स अगर मेहनत करें तो कैसे ये बच्चे इंप्रूव नहीं कर सकते, बिल्कुल इंप्रूव कर सकते हैं, रिकवर तक भी हो सकते हैं। लेकिन मेहनत पेरेंट्स ने करनी है, टेक्निक्स पेरेंट्स ने सीखनी है। माशाल्लाह ये वॉच कीजिएगा ये किस अंदाज से नमाज पढ़ेगा, तो आप जरा इसको वॉच कीजिएगा कि ये जिस अंदाज से नमाज पढ़ेगा तो आपको इसे लर्निंग को मिलेगा कि आप उसे लर्न करेंगे। चलो तला शाबाश नमाज पढ़ो, चलो शाबाश नमाज पढ़ो। अल्लाह अकबर सही से करो ना पहले, अल्लाह अकबर दोनों हाथों से, दोनों हाथों से पढ़ो बेटा शाबाश। देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह कुछ चीजें आपको समझ नहीं लगी होंगी, चूंकि वो इनसाइड द माउथ बोल रहा था और स्लोली बोल रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने तमाम प्रोसीजर ग्रॉसली अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो किए। आप भी अपने बच्चों के लिए, बच्चे आपके लिए मोटिवेशन है कि आप भी अपने बच्चों के साथ इसी तरह से खूब मेहनत करें। पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, माशाल्लाह ये बच्चा स्कूल जाता है और अपने स्कूल में, इस मेन स्ट्रीम स्कूल में जाता है माशाल्लाह, और स्कूल में इसने
20 बच्चों की स्ट्रेंथ में इसकी फोर्थ पोजीशन आई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तला बताओ किस क्लास में हो? वन क्लास। वेरी गुड, शाबाश। देखिए वन क्लास में वो अपना बताता भी है और पढ़ता भी है। आप भी ये ज़हन में रखें, ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आपके लिए मोटिवेशन है कि आप बच्चों पे खूब मेहनत करें, इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि बच्चे इम्प्रूव और रिकवर हो जाएं। ये हो सकता है, मुमकिन है, तो इसलिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा इन बच्चों के लिए और इन बच्चों की तरबियत करनी पड़ेगी, इनको सिखाना पड़ेगा, एक एक चीज सिखानी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है जब मैंने इस बच्चे को कलमा आज से कोई साढ़े चार साल पहले मैंने बल्कि सवा चार साढ़े चार साल पहले कलमा सिखाया था, तो उसने कितना क्राय किया था। यूट्यूब पे मेरी वो वीडियो मौजूद है उसने कलमे के लिए, उसने कितना शाउट किया था, क्राय किया था। आज माशाल्लाह वो नमाज भी पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तब भी मैंने कलमा जब उसने क्राय किया था उसके बाद भी मैंने वीडियो दी थी जिसमें वो स्मूथली कलमा पढ़ रहा था, और क्राय वाली भी वीडियो है, मेरे लेक्चर से पहले की वो वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे मैंने अपलोड की हुई हैं। तो आप भी अपने बच्चों के साथ इसी तरह से खूब मेहनत करें तो आपके बच्चे भी हर चीज सीख सकते हैं। बस मेहनत चाहिए और एप्रोप्रिएट और परफेक्ट थेरेपीज और टेक्निक्स चाहिए जो आपने इन पे अप्लाई करनी है, तो ये आपके बच्चे भी इसी तरह से इम्प्रूव करेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इसने माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई कि इसने माशाल्लाह पेरेंट्स ने इसको नमाज पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह सिखा दिया, और बाकी फाइन काम तो हमारा चलता ही रहता, तो हम सारी जिंदगी इनको सिखाते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी कुछ लर्न करने को मिला होगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हमेशा से रहे, अल्लाह हाफिज़।